हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है आउटलेट नॉक सेंसर के ऊपर। हमारा जो फॉल कोड है 3545 है, वो भी नेटिव में 14 बार आया हुआ है। आफ्टर ट्रीटमेंट आउटलेट नॉक सेंसर एबनॉर्मल रेट ऑफ चेंज। तो इस पर डबल क्लिक करके देखते हैं क्या कह रहा है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जो है आपका ट्रीटमेंट आउटलेट नॉक सेंसर रीडिंग इज नॉट वैलिड, यानी कि जो रीडिंग है वो सही नहीं आ रहा है। और उसका वो डायग्राम है, तो हमारा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो चुका है। एक बार हम फिर से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी जो है नॉक सेंसर का ये फॉल कोड 14 बार आया, क्यों आया तो अभी हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो उन्हें वापस कनेक्ट कर लिया है, तो एक बार इस पर क्लिक करके आपको डायग्राम दिखा देते हैं और सॉफ्ट टॉक में क्या क्या कह रहा है अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पे रीडिंग जो वैलिड ना आ रही है और इसका जो डायग्राम है, तो सॉफ्ट टॉक में देखते हैं क्या क्या कह रहा है। तो दिस फॉल कोड सेट व्हेन आफ्टर ट्रीटमेंट आउटलेट नॉक सेंसर इंक्लूड टू द ईसीएम डेट इज नॉट प्रोवाइड द डाटा, यानी कि जो नॉक सेंसर है वो इश्यू को डाटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह से बोल रहा है 1887 और 2771 3682 फॉल कोड जो आ तो नहीं रहा है। इसे रिलेटिव फॉल कोड, तो हमारा इसे रिलेटिव फॉल कोड नहीं है, 3545 ही है। इसका ये डायग्राम दिया हुआ है, उसमें कनेक्ट कह रहा है कि चेक करो लूज कनेक्शन तो नहीं है। तो फ्यूज सेंटर थॉट चेक द लूज मिसिंग एंड इंटरमिटेंट कनेक्शन। तो अभी ये सब कनेक्शन चेक करेंगे और वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी ओके करेंगे फॉल कोड में। तो यहाँ पे बिफोर ट्रबल शूटिंग दिस फॉल कोड, यानी कि इस फॉल कोड जो है यहाँ पे दिखा रहा है नॉक सेंसर के 1887 और 2771 और 3682। तो अभी हम बैक चलते हैं और बाकी भी कुछ फॉल कोड जो है हमारे आए हुए हैं उसको भी दिखा देते हैं, बता देते हैं। यहाँ पे जो बाकी दूसरा फॉल कोड 4489 का है, सीआर मॉनिटरिंग सिस्टम मालफंक्शन कंडीशन ठीक, और 14671 14672 आए हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं डाटा मॉनिटर में और वहाँ पे हम जो है चेक करेंगे नॉक सेंसर की वैल्यू। रीडिंग जो नॉट वैलिड लिख के आ रहा है, तो रीडिंग हमको चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा रीडिंग जो है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ऑल पैरामीटर पे हम क्लिक कर लेते हैं और चलते हैं नीचे रीडिंग वैल्यू नॉक सेंसर के पास। तो स्क्रॉल करके नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों नॉक सेंसर की वैल्यूएशन आ चुकी है, इंटेक नॉक सेंसर करेक्ट है और रीडिंग स्टेबल। यहाँ पे तीनों चीज़ लिख के आ रहा है इंटेक और आउटलेट की। तो अभी हम गाड़ी को ट्रायल मारेंगे रन करके और देखेंगे इसकी जो वैल्यू है वो सही आ रही है कि नहीं। तो हमने गाड़ी को ट्रायल मारने के लिए के आए हुए हैं। तो अभी हम जो है रीडिंग जो है स्टेबल चल रही है, तो थोड़ा समय हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब गाड़ी गर्म होगा और जो उसकी PPM वैल्यू है वो अप डाउन होगी। तो अप डाउन होने के बाद हमको पता चलेगा कि जी रीडिंग जो है स्टेबल है तो सही है, अगर स्टेबल नहीं आ रही तो हमारा जो नॉक सेंसर में प्रॉब्लम है, तो हमको नॉक सेंसर चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा हम वेट करेंगे तो अभी हमको रीडिंग चेक करते रहना पड़ेगा। हमने वीडियो को फास्ट रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों रीडिंग नॉट स्टेबल एक बार आ चुका है। तो थोड़ा देर और हम चेक करेंगे, अभी ये रीडिंग स्टेबल हो गया फिर से। तो यहाँ पे हमको एक बार रीडिंग नॉट स्टेबल का दिख गया है, तो कुछ समय के लिए और चेक करेंगे। यहाँ पे दोबारा जो रीडिंग नॉट स्टेबल करके आ रहा है, हमारा जो आउटलेट 31 PPM चल रहा है माइनस में और करेक्ट वैल्यू 0 चल रही है। फिर यहाँ पे रीडिंग जो है स्टेबल हो रही है, फिर नॉट स्टेबल हो गया क्योंकि 80 PPM माइनस में चल रहा है और ये आउटलेट करेक्ट में 0 चल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटलेट वैल्यू है वो रीडिंग नॉट स्टेबल हो रही है और इनलेट वाली जो वैल्यू है 1000 PPM के आसपास जो है वो स्टेबल चल रही है।
तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारा आउटलेट नॉक सेंसर का सही नहीं आ रहा है, -80 ppm की वैल्यू नीचे जा रहा है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नई जानकारी मिलती रहे। तो भी हम टॉपिक पर चलते हैं अपने नॉक सेंसर के पास और वहाँ पर हम वोल्टेज और वायरिंग शॉर्ट और नॉक सेंसर को चेक करेंगे। तो अभी चलते हैं सेंसर के साइलेंसर के साइड में, वहाँ पे हम ये सब चीज़ चेक करेंगे। नॉक सेंसर खोलेंगे और खोल के एक बार वोल्टेज भी चेक करेंगे और उसके बाद नॉक सेंसर को चेंज करेंगे। खाली रहता हूँ तो भी हमने खोल लिया है। तो अभी नॉक सेंसर में पहले वोल्टेज चेक करेंगे आउटलेट वाले और उसके बाद जो नॉक सेंसर खोल के बाहर लेते हैं। मेरा ये खुला था, सब निकाल तो ये हमारा आउटलेट नॉक सेंसर है। एक बार इसमें वोल्टेज और शॉर्ट चेक कर लेते हैं। चाबी ऑन करो। तो अभी हमने एक नंबर और चार नंबर पकड़ेंगे, इसमें 24 वोल्ट आना चाहिए मीटर फिट मल्टीमीटर में। तो यहाँ पे हमारा 24 वोल्ट प्रॉपर सही आ रहा है। एक मिनट, हमने माइनस पकड़ो। तो हमारे यहाँ पे 24 वोल्ट प्रॉपर सही आ रहा है। तो अभी जो है हम बाकी का भी चेक करते हैं, बाकी दो में जो हमारा 2.5 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे 2.3 वोल्ट ये भी हमारा ओके है और इधर भी 2-3 में 2.5 वोल्ट ये हमारा सही है। तो वोल्टेज हमारा प्रॉपर सही आ रहा। तो एक बार कंटिन्यूटी सेट चेक करेंगे, ग्राउंड भी शॉर्ट कंटिन्यूटी सेट करो। तो मैंने कंटिन्यूटी सेट कर लिया है ग्राउंड पर कुछ चीज में। पकड़ अच्छे से। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड जो है वो भी सही आ रहा है। तो एक बार हम ग्राउंड से वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमने 200 पे सेट कर लिया। तो हमारा जो है एक नंबर में 0 वोल्ट है, ये हमारा ग्राउंड का है और चार नंबर जो हमारा 24 वोल्ट इसमें आना चाहिए और 2 और 3 में हमारा 2.5 आना चाहिए। हमारा वोल्टेज जो है प्रॉपर सही है। तो अभी हम नॉक सेंसर खोलेंगे और नॉक सेंसर अब रिप्लेस करके जो है फिर से टेस्ट लेंगे और देखते हैं हमारा टेस्ट में फॉल्ट कोड सही जाता कि नहीं। तो अभी हम नॉक सेंसर खोल लेते हैं हमारा आउटलेट वाला। हाँ तो काटना टाइट क्लिप भी ऐसा था वहाँ, अरे टाइट क्लिप काट फटाक से बाहर ले। इतना टाइट क्लिप लाओ, फुल काट। निकाल सेंसर निकाल, घुमा ले ऊपर से और टाइट क्लिप के लाओ अंदर मारे। घुमा के निकालो उसको।
तो अभी मैंने सेंसर को खोल लिया है और पहले डैमेज देखेंगे, तो हमारा वार कहीं डैमेज तो नहीं है। उसके बाद जो हम नॉक सेंसर को चेंज करेंगे, तो पिन तो हमको सही दिख रहा है और वायर भी कहीं से डैमेज नहीं है। तो यहाँ पे जो वायर पूरा क्लियर दिख रहा है, तो डैमेज किधर भी नहीं है। अभी हम सेंसर जो है, सेंसर जो ओरिजिनल दिख रहा है, कमिंस का ही है। इसमें क्या रहता है, कभी कल सेंसर भी डुप्लिकेट लग रहा था, तो इसकी वजह से बार बार फॉल्ट कोड आता रहता है। तभी ये सेंसर को हम नया डालेंगे, तो चेक करना ज़रूरी रहता है। वो तो पार्ट जो है कमिंस का रहना चाहिए, नहीं तो सेंसर की वजह से बार बार फॉल्ट कोड आएगा। तो ये इसको नया डालेंगे। दोस्तों ये सेंसर जो है नया नहीं है, ये दूसरी गाड़ी का सेंसर है, क्योंकि हमारे पास नया सेंसर भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने दूसरी गाड़ी का खोल के क्लीन किया है, तो ये सेंसर हम डालेंगे और डाल के जो है गाड़ी को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास सेंसर लेवल नहीं है। तो अभी हम नॉक सेंसर को फिट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हमने वीडियो को फास्ट रखा है ताकि जो आपको ज़्यादा देखना ना पड़े। तो हम नॉक सेंसर को जल्दी फिटमेंट कर लेते हैं और नॉक सेंसर का सॉकेट वॉकेट लगा लेते हैं। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर पर चलेंगे और वापस जो है उसकी वैल्यूएशन चेक करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सेंसर का फिटमेंट पूरा हो चुका है, तो अभी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, लैपटॉप को वापस कनेक्ट करेंगे और फॉल्ट को डिलीट करेंगे। तो अभी हम सॉफ्टवेयर पे वापस आ चुके हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर वो डिस्कनेक्ट हो चुका है लैपटॉप से। तो लैपटॉप को हम कनेक्ट कर लेते हैं वापस फिर से, तो जल्दी जल्दी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप वापस कनेक्ट हो चुका है, तो अभी हम फॉल्ट कोड पे क्लिक करके देखेंगे हमारा जो फॉल्ट कोड है। तो अभी हम फॉल्ट कोड पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे फिर फॉल्ट कोड है 2771 आया हुआ है, क्योंकि हमने नॉक सेंसर खोल के जो है वोल्टेज चेक किया था, और इसकी वजह से जो है 4489 का फॉल्ट कोड जो है एक्टिव हो चुका है। तो अभी हम फॉल्ट कोड को डिलीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद जो है नॉक सेंसर की रीडिंग वैल्यू है हम चेक करेंगे पैरामीटर में जाकर। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड है वो हमारा डिलीट हो चुका है। तो अभी हम चलेंगे डाटा मॉनिटर एंड लॉगर में, और ऑल पैरामीटर में जाके वैल्यू चेक करेंगे और गाड़ी स्टार्ट करके जो है चेक करेंगे। तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं उसके बाद जो हमारा वैल्यू है वो तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, हीटर का प्रेशर जो है 123 PSI पहुँच चुका है। तो अभी हम नॉक सेंसर रीडिंग वैल्यू के पास यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे इनलेट का जो रीडिंग वैल्यू है 3000 के पास अभी नॉट अवेलेबल आ रहा है रीडिंग, अभी क्योंकि गाड़ी गर्म नहीं है। कभी थोड़ा गाड़ी गर्म होगा, उसके बाद जब हम फाइल मारेंगे तो जो गाड़ी का पीपीएम वैल्यू आना चालू हो जाएगा। तो थोड़ा देर अभी हम गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे, गाड़ी को थोड़ा गर्म होने देंगे। टेम्परेचर जो है अभी 101 फारेनहाइट है इनलेट टेम्परेचर, तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने देंगे। उसके बाद जो है गाड़ी का टाइल मार के देखेंगे जो रेटिंग वैल्यू है वो स्टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो रेटिंग और टेम्परेचर वैल्यू है 618 फारेनहाइट जा चुका है, और जो इनलेट नॉक सेंसर की रेटिंग वैल्यू है 600 के आसपास सही चल रहा है, और आउटलेट की जो वैल्यू है 172-206 PPM की वैल्यू जो है स्टेबल चल रही है। तो यहाँ पर जो स्टेबल सही आ रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।